मैं आपको पार्ट 6 लिंग के बारे में बताऊंगी कि लिंग क्या होता है और लिंग किसे कहते हैं। देखिए, लिंग नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अंतर समझिए। लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी। ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र में दो दो प्राणी हैं, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी और मोर मोरनी। प्रत्येक चित्र में दोनों प्राणियों के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात आगे देखिए, रूप देखकर हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का घोड़ा और मोर पुल्लिंग है तथा लड़की घोड़ी और मोरनी स्त्रीलिंग है। अतः पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। आगे देखिए, जैसे चूहा बालक सेठ आदि, वहीं स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे चुईया बालिका सेठानी आदि। इसके पश्चात आगे देखिए, अन्य उदाहरण हैं इसके और, दादा दादी, पुत्र पुत्री, चूहा चूहिया, सेठ सेठानी, शेर शेरनी, नाना नानी। ये भी जाने आगे, ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। सभी भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे भालू तोता कौवा सियार आदि पुल्लिंग है तथा मैना लोमड़ी चील आदि स्त्रीलिंग है। इसलिए इन्हें अलग अलग करने के लिए शब्द से पहले नर या मादा लगाते हैं, जैसे मादा भालू, नर मैना आदि। सभी पद पुल्लिंग होते हैं, जैसे इंजीनियर प्रधानमंत्री पत्रकार राष्ट्रपति आदि।